सत श्री अकाल इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहा है तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार लैके हाजिर हाँ। अज का डिबेट शो गल करांगे देश दे एक बहुत बड़े मुद्दे दे। केंद्र सरकार ने सेना दियां तीनों शाखावां थल सेना जल सेना ते हवाई सेना विच बड़ी गिनती दे विच नौजवानों की भर्ती करन दे लई 14 जून नूं अग्नि पथ योजना जिहड़ी आ उह शुरू कीती सी। इस स्कीम दे तहत नौजवानों नूं 4 साल तक रक्षा बल दे विच सेवा करनी पएगी। मन्या जा रहा है कि सरकार ने तनखाह ते पेंशन दे बजट नूं घटाउण दे लई एक कदम चुकया है, पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 4 साल बाद 75% जवानों नूं 11 लाख रुपए दे के घर वापसी की जाएगी। सिर्फ 25% की सेवा च कुछ विस्तार होगा। इस नवी नियम नूं लैके हंगामा ते प्रदर्शन जिहड़ा देश भर दे विच जारी है। केंद्रीय सेना दे विच अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार तीजे दिन भी सड़ रहा है। राजधानी पटना समेत 25 ज़िलों में भयानक दंगे हुए ने। दानापुर अते लखीसराय स्टेशनों समेत अद्धी दर्जन तो वध स्टेशनों ते अगजनी की गई है। 9 ट्रेनों नूं अग लगा दी गई है अते पुलिस ते पथराव किया गया है। कई थावां ते पुलिस ने लाठीचार्ज अते गोलीबारी भी की है। बेतिया च तां प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री रेणू देवी ते भाजपा के प्रदेश प्रधान संजय जायसवाल के घर ते हमला कर दिता। प्रदर्शनकारियों ने सासाराम अते मधेपुरा दे विच भाजपा दे दफ्तर नूं साड़ दिता। एक दिन पहला नवादा विच बीजेपी दफ्तर नूं साड़ दिता गया सी। 2 विधायकों ते हमला होया सी। हालांकि अग्निपथ स्कीम ते प्रदर्शनकारियों दे सवालों का जवाब दिंदे हुए सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस तरह दीयां जिहड़ियां छोटियां म्याद दीयां योजनावां नूं कई देशां दे विच पहलां परखिया गया है। इस नौ इहदे नाल जिहड़ा नौजवानां नूं अते फौज दे लई वधिया प्रैक्टिस मन्निया जांदा है। सो सरकार दे वल्लों ये दलील दित्ती जा रही है, पर प्रदर्शनकारी जिहड़े नौजवान ने उहनां दे वल्लों अज तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन जिहड़ा उह तिखा किया गया है। सो पंजाब की जेकर गल करिए पंजाब दे विच सीएम भगवंत मान दे वल्लों भी कुछ बयान दिते गए ने। तुसीं तस्वीरां दे विच देख रहे हो कि किस तरह अग दी लपेट दे विच ने ये जिहड़ियां ट्रेनां एसी कोच ट्रेनां ने जिन्हां नूं अगजनी दे विच सड़न दे लई छड्ड दित्ता गया। सो ये क्यों हो रहा है, इहदे कारण की है, इहदे बारे विस्तार नाल गल करन लई साडे नाल अज मेहमान जुड़नगे। उहनां दे नाल विचार चर्चा भी करांगे, पर उस तों पहलां सीएम भगवंत मान दे वल्लों इहदे उपर कुछ बोलिया गया, तुहानूं सुणांदे आ। देखिए फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होकर आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में, तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है, जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक बना साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम, ऐसा नहीं चाहिए हमें, फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है, ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं, तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है, इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं, तब तक उनको काम करें। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश बोल रहे हैं कि जिन लोगों को मोदी जी की जो चुप्पी है वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आग लगा तो ऐसा करो, बीजेपी के सभी नेताओं के, अगर ये बहुत ही अच्छी स्कीम है तो बीजेपी के नेताओं के बेटे फौज में जाएं और 4 साल बाद
भूतपूर्व सैनिक बनकर आ जाएं, फिर मान जाएंगे। मान साहब पंजाब में खालिस्तान के बड़े पोस्टर लगने लगे, ये किस तरह ये क्या इसके पीछे असल में क्या है ना, ये राजनीतिक बातें हैं। उनको ये लगता है कि आम घर का बेटा, एक मास्टर टीचर का बेटा क्यों आ गया इतनी बड़ी कुर्सी पर, और उनको लगता था महीना दो महीने चलेंगे, अब वो कह रहे हैं इनको चलानी भी आ गई सरकार। तो फिर अब उनको ये भी पता लग गया कि हमें पकड़ने भी लग गए ये, तो इनसे पूछिए ना कि क्या होता है। इनसे पूछिए, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, ये जवाब है, ये जवाब है। भगत सिंह से डबल जिंदगी जी बैठे हैं, क्या धमकियां देंगे। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से बिहार में आगजनी की घटनाएं शुरू हुई, अब देश भर में फैल चुका है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? मैं सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, आप किसी भी तरीके से रेलवे की संपत्ति को डैमेज न करें। इस तरह की घटनाएं बहुत ही व्यथित करने वाली है। किसी भी तरीके से रेलवे की संपत्ति को, रेलवे स्टेशन को, रेलवे के कोचेस को, रेलवे की पटरियों को किसी भी तरीके से डैमेज न करें। सो तुसी देखिया कि किस तरह जिहड़े आगू ने उन्हां दे वल्लों इहदे उत्ते बयानबाजी की जा रही है। हालांकि इहदे उत्ते विस्तार नाल गल्लबात करन लई साडे नाल आम आदमी पार्टी तो जुड़े ने शशिवीर शर्मा जी। शर्मा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी तो हरप्रीत सिंह कंवर साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सो सब तो पहला मैं बीजेपी तो साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि जो अग्निपथ स्कीम थी उसकी अग्नि सड़कों तक पहुंच गई आज देश में? जी, उसका संचार करने की योजना है जो भारतीय सेना लेकर आई है। भारतीय सेना अपेक्षाकृत अधिक जवान हो आने वाले वर्षों में, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। देश के अधिक से अधिक नौजवानों को, नव युवतियों को देश की सेना में जाने का अवसर मिले, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस सारी बातों को देखते हुए ये योजना लाई गई। लेकिन अपने देश में आजकल राजनीतिक कारणों से हर बात का विरोध करने का और विरोध के लिए सड़कों पर उतरने का और सड़कों पर उतरकर पत्थर फेंकने का, कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए और बिहार तक इस तरह का रिवाज चल निकला है। एक तबका है इस देश में और खास तौर पर वो राजनीतिक लोग हैं जो अवसर तलाशते हैं, कुछ भी नया हो, कुछ भी ऊर्जा की बात हो, कुछ भी क्रांति और परिवर्तन की बात हो, उसके विरोध में हल्ला करवाना, गुमराह करना लोगों को। उन लोगों ने जवानों के एक तबके को, नई पीढ़ी के एक तबके को भड़काकर सड़कों पर उतार दिया है। हमें विश्वास है आने वाले चंद दिनों के भीतर इस योजना की बारीकियों को, इस योजना के जो लाभ हैं आने वाली पीढ़ी को जो मिलने वाले हैं, उनको नई पीढ़ी कायदे से समझ लेगी। और ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं जो CAA में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं होते हुए शाहीन बाग बनवा देते हैं, ये जो इस योजना में कुछ भी खराब न होते हुए गुमराह करके नौजवानों को सड़क पर उतार कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, हमको विश्वास है आने वाले चंद दिनों के भीतर इनकी इनका जो पतीला है वो ठंडा हो जाएगा। नौजवान योजना के महत्व को समझेंगे और अग्निवीर बनने के लिए, क्योंकि अगले सप्ताह भर में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, देश के नौजवान नव युवतियां इस नए रास्ते को पकड़कर अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए निकल पड़ेंगे। और हल्ला करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग रहेंगे तो रहेंगे, प्रजातंत्र है, उनको अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भारत माता के असली पुत्र हैं, जो मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं और वो जो खास तौर पर सेना में करियर बनाने की बात करते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि पत्थर उठाकर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करें।
आगजनी करके अपने ही देश की संपत्ति को आग के हवाले करें। अपने देश की संपत्ति किसी और की संपत्ति नहीं है, वो अपनी संपत्ति है। सैनिक अपने प्राण मातृभूमि के लिए इसलिए देता है क्योंकि वो मातृभूमि के कण कण को, एक एक इंच को, जर्रे जर्रे को अपना मानता है, इसलिए वो लड़ मरता है मातृभूमि की रक्षा के लिए। अगर ये जो जवान आंदोलन पर हैं, अगर ये वास्तव में सच्चे मातृभूमि के भक्त हैं, देशभक्त हैं, सेना में जाना चाहते हैं, सेवा के लिए सेना में जाना चाहते हैं, तो इनको हिंसा का जो मार्ग है, आगजनी का जो मार्ग है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इनको इस रास्ते पर जाना नहीं चाहिए। और मैं तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसे कृत्य में मेरे परिवार का भी अगर कोई सदस्य शामिल है, वो अपराधी है, वो कानून को हाथ में ले रहा है, और उसे तो सेना में भर्ती के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। जिसको इतनी सेंस नहीं है कि देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सैनिक कहता है मेरी मातृभूमि का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे प्राण भले ही चले जाएं। और ये सेना में जाने से पहले ही जो लोग आगजनी पर, तोड़फोड़ पर उतरे हुए हैं, वो किस मंशा के, कैसे लोग हैं, किनके बहकावे में आकर कर रहे हैं, ये अपने आप में आज सारे देश के सामने चिंता का विषय है। सभी अभिभावकों को, सभी माता पिता को अपने बच्चों को बुलाकर बिठाकर ये बात समझानी चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार का, समाज के प्रबुद्ध लोगों का, सबका दायित्व बनता है कि तोड़फोड़ के मार्ग पर जाते नौजवानों को रोकें। जी डॉक्टर साहब, दल है प्रतिपक्ष के, हमारे अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्षी दल हैं, उनकी भी अपने अपने राज्यों में जिम्मेदारी बनती है। हम अपना काम कर ही रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को शह न दें, भड़काएं नहीं, कुमार्ग पर ले जाएं नहीं, क्योंकि ये भी तय है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फौज में तो छोड़िए, वो सिविलियन नौकरी पाने के भी पात्र नहीं रहेंगे। ये नौजवानों को ध्यान में रहना चाहिए, तो ऐसा कोई काम न करें। जी जी ठीक है, समझने की कोशिश करें। जी डॉक्टर, कहीं कोई आपकी शिकायत है वो कहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से, आपका राइट है, उसका हम स्वागत करेंगे। कोई योजना अपने आप में अंतिम नहीं होती, अगर इस योजना में भी कालांतर में कुछ कमियां पाई गई तो निश्चित तौर पर हम सुधार करेंगे। सबका लक्ष्य भारत माता की जय है, और जो भारत माता की जय के लक्ष्य के साथ काम करते हैं वो आगजनी नहीं करते, वो अपने प्राण देने वाले लोग होते हैं। मुझे जी ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी से शशिवीर शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, की कारण है कि अग्निपथ स्कीम की जी आग है जिस सड़कों के उत्ते आ गई है, और ये सड़कों की अग जी है कई राज्यों तक पहुँच गई? पहला तो अग्निपथ स्कीम समझने की लोड़ है कि की किस तरीके बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में कन्वर्ट करना चाहती है आर्मी के सारे जी भर्ती। पहली गल तो जी आर्मी के जो 4 साल का प्रोजेक्ट लैके आए हैं इनिशियली, हूँ देखने वाली गल है 4 साल के तोड़ तोड़ के पहला तो इन्हों जी उन्होंने तनखा दी जाएगी। सैकेंडली जी मेन चीज़ है ये 4 साल बाद उन्होंने सिर्फ 25% सिर्फ 25% जो लोग हो 25% जो आर्मी के जो जवान हो फरदर 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट वास्ते जाएंगे, तो 75% जो जवानों बाहर का रस्ता दिखाया जाएगा। दूसरी चीज इन्हों का जो मेन मोटिव है 45,000 to 50,000 के आस पास साल के जॉब्स प्रोवाइड करनी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस से आर्मी के। हूँ देखने वाली गल है जी, ऑलरेडी तुम चाहे आप रेल की गल करिए, सेल की गल करिए, एयरपोर्ट की गल करिए, चाहे LIC की गल करिए, चाहे बैंकिंग सैक्टर की गल करिए, सारे ऑलरेडी इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिता है। प्राइवेटाइज कुछ अपने चंद उद्योगपतियों बेनीफिट देने वास्ते सिर्फ इन्होंने हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिता है। बची एक आर्मी सी, आर्मी के काफ़ी हद तक एक पेंशन स्कीम भी लागू सी, जो जवान ने जो तैयारी करते हैं नौजवान, वो उसके वास्ते साल बद्धी अपनी तैयारियां करते हैं, रनिंग करते हैं, फिटनेस वास्ते ध्यान रखते हैं। एक कई बार तुम वीडियोज देखिया हो गए जो मिली एक सैकेंड तो कोई रह जाता है किस तरह जवान रोंदा से कि मैं उस मुकाम तक 1 सैकेंड या 2 सैकेंड की देरी तो पहुँच रहा हूँ। सो हूँ की तरीका की किया जा रहा है, बीजेपी ने एक तो सिर्फ 45 to 50,000 साल के नौकरियां जो इन्होंने क्ढण का रखा वा आर्मी के, सैकेंडली 4 साल बाद सिर्फ 25% जो लोग ने 25% जवान ने वो 15 साल के फरदर कॉन्ट्रैक्ट वास्ते जाएंगे, बाकी जाने जो होने उन्होंने बाहर का रस्ता दिखाया जाएगा।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਮੰਡੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅਵ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਉਂਗਾ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਛੱਡੋ 45,000 ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਨੀ ਪਥ ਪਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਪਥ ਪੇ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਪਥ ਪਰ ਆਪ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪ ਪਥ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਥ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਂਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੋ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਚਾਣੇ ਕੀ ਝੂਠਾ ਡੋਂਗ ਮਤ ਕੀਜੀਏ ਅਬ ਈਗੋ ਕੋ ਸਾਈਡ ਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇ ਪਖਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕੋ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਆਪ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਕੋ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸਕੋ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਾੜਨ ਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥੇ ਚ ਲੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਚਰਣ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਚ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਚ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਹੋ ਕਹਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਰਤਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਮਾਨ ਇਸਕੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਬੜਾਏ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾਏ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਲਈ ਬੜਾਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੋ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਬੜਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੂੰ ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਲੀਜੀਏ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸੇਨਾ ਮੇ ਭਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ तो जिनकी उम्र निकल गई उनको अवसर देने के लिए एक सुधार किया योजना में तो आपको उसकी आलोचना करने के बजाय उसका स्वागत करना चाहिए एक और आपने गलत बात बोल दी आवेश में कि जो ये तो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और 4 के बाद फिर 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस 15 साल में भी कोई पेंशन नहीं होगी कोई बेनिफिट नहीं होगी मैं आपको बता दूं ये जो 4 साल लोग सेवा करके आएंगे इनको जब ये 4 साल के बाद इनमें से 75% घर आएंगे तो उनको सेवा निधि मिलेगी करीब करीब 12 लाख रुपए लेकर के तो ये घर आएंगे जो लोग फर्दर रेगुलर सेलेक्ट होंगे आगे बढ़ेंगे 25% उनको वो सब कुछ मिलेगा जो अब तक रेगुलर आर्मी को मिल रहा है तो मेरा ये कहना है कि फैक्ट्स को समझिए और लोगों को गुमराह होने से बचाइए ये नौजवान जो सड़क पर है ना
ये भाजपा का या आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का नौजवान नहीं है, देश का नौजवान है। इसके मन में देश की सेना में जाने का सद्भाव है और देश की सेना किसी भी भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बड़ी है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए, सेना की पवित्रता को कायम रखिए, फैक्ट्स पर आइए। जी ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, जी शशि जी, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मीज में से एक मेरे और आपके देश की आर्मी है। उस आर्मी ने कई वर्ष के परिश्रम के बाद एक योजना सामने रखी, वो लागू हो रही है। उसमें कल को कोई कमी भी होगी ना तो आर्मी कॉम्पिटेंट इनफ है, उसमें कोर्स करेक्शन कर लेगी, बजाय हल्ला करने के, बजाय पोल्यूशन फैलाने के। ठीक है वीरेंद्र जी, बजाय अराजकता फैलाने, वीरेंद्र जी ठीक है, हमको हमको सजेशन देने चाहिए। जी ठीक है, हुड़दंग एंड हल्ला, सजेशंस बता रहा हूं, नॉट बी परमिटेड। जी ठीक है शशिवीर जी, शशिवीर जी उसके बाद हरप्रीत जी के पास जाना है। सर आर्मी दे रिटायर विशेषज्ञ ने जिहड़े ऑफिशियल ओ खुद कह रहे ने कि इह स्कीम जिहड़ी है चंगी नहीं है फर्दर जवानां वास्ते। इवन इन्हां दी पार्टी दे वरुण गांधी ने एक लैटर लिखी है, ऑलरेडी लैटर दे विच सारा डिटेल दस्सिया गया कि इस नूं रिव्यू कीता जावे। मेरा सिर्फ इक्को रिक्वेस्ट है कि बीजेपी आप दे ईगो साइड ते रख दे, क्योंकि इह इन्हां दी जिहड़ी ईगो आ गई है। सर प्लीज कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट, कोई ईगो नहीं, शहादत देनी पई। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहली गल तां इन्हां नूं आपदी ईगो साइड ते रख के कमेटी बनानी चाहिए, उहदे ते रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इहदे विच रिव्यू करन दे विच किसे तरीके दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वड्डे वड्डे विशेषज्ञ कह रहे ने कि इहदे नाल सिर्फ 4 साल कॉन्ट्रैक्ट दे नाल ਜਿਹੜਾ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਪ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਾਸਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ ਕਿਮ ਜੋਂਗ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸਤੀਜਨਕ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਰਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਏਗਾ ਮਜਬੂਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ CAA ਮੇ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੇ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਹਾਂ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਓ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕੁਛ ਬਾਤੇਂ ਅਭੀ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਨਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਕੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮਿੱਤਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਕਿ ये जो व्यवस्था है इसको कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था कह के इसका इस नई व्यवस्था का निरादर करने से बचना चाहिए एक ये बात कि ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह की रिक्रूटमेंट वो आपातकाल में ही होती हैं दुनिया की जो सफल बड़ी अनेक ऐसे देशों की आर्मीज हैं जिन्होंने इससे मिलते जुलते सिस्टम को अतीत में प्रॉपरली टेस्ट किया है इट इज अ टेस्टेड एंड ट्राइड सिस्टम इससे भारत की सेना में सेवा दे रहे जवानों की औसत आयु वो कम होगी हमारी सेना ज्यादा यूथफुल होगी एजाइल होगी ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं ये बताना चाहता हूं शशिवीर जी को भी और हमारे दूसरे पैनलिस्ट मित्र को भी कि ये मैं जो बात कह रहा हूं ये मेरी बोली नहीं है मेरी भाषा को तो आप कह दोगे कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं देश के सेना अध्यक्ष यही कह रहे हैं तीनों सेनाओं के मुखिया ये बात कह रहे हैं आपको देश के आज के सैनिक नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अगर थोड़ी बहुत इधर उधर अदरवाइज कोई राय रखी है आप उसको अधिक महत्ता देना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब 2 साल एक एक्सरसाइज चली जिसमें देश के सर्विंग ऑफिसर्स ने इस प्रस्तावित स्कीम्स के प्रोज कॉन्स सारी चीजों पर विचार किया और सारी चीजों पर विचार करके अल्टीमेटली पूरी तैयारी के साथ ये योजना देश और देश के जवानों के सामने रखी एक सवाल ये उठाया बड़ा खतरनाक सा सवाल है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल सेना में रहेंगे 75% अग्निवीर फिर बाहर आएंगे और वो बेरोजगार हो जाएंगे मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ही वो बाहर आएंगे तय मानिए उनके स्वागत के लिए जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो तैयार बैठी होंगी स्टेट्स की अनेक स्टेट्स ने कह दिया है और उनको करना है ऑलरेडी वहां रिजर्वेशन भी रहती है राज्यों की पुलिस केंद्रीय जो पुलिस बल हैं वे ऐसी अनेक एजेंसियां हैं ITBP समेत सिक्योरिटी से जुड़े जो फोर्सेस हैं जहां इन प्रशिक्षित अग्निवीरों को प्राथमिकता नौकरियों में मिलेगी ये एकदम आकर के बेरोजगार हो जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला 21 साल का नौजवान आज की तारीख में गांव में जो फौज की तैयारी कर रहा होता है 17 साल का कह लीजिए 17.5 साल का या वो जब 21 का होता है 21 साल के नौजवान के पास 11-12 लाख रुपए नहीं होते एक ऐसी व्यवस्था खड़े करने का प्रस्ताव है कि जब ये 75% अग्निवीर बाहर आएंगे सेना से प्रशिक्षण लेके अपनी पर्सनालिटी को धासो धुरंधर दमदार बनाकर कॉन्फिडेंस के साथ नई ऊर्जा के साथ सैन्य प्रशिक्षण लेकर तो एक केवल मेंटली और फिजिकली मैच्योर और बलिष्ठ और सुशिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगे बल्कि इनके पास
21 की उम्र में 12 लाख रुपए की धनराशि भी होगी और इसके साथ साथ उनको बैंक लोन का सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारी सरकारी योजनाओं का सपोर्ट मिलेगा जिसकी बात सब लोग कह रहे हैं जी। उस सपोर्ट के साथ ये चाहेंगे तो अपनी नौकरी तलाश लेंगे, मिलेगी इनको। वो नौकरी नहीं करना चाहेंगे, अपना कारोबार करना चाहेंगे तो कारोबार कर लेंगे। इनमें से कुछ फर्दर पढ़ेंगे, कोई आईपीएस भी हो जाएंगे, कोई स्टेट सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे, कोई आईएएस होकर देश के प्रशासनिक तंत्र में भी सेवा करेंगे जी। ठीक है, जो बात कही कि वो ट्रेंड लोग होंगे वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। मैं जो लोग ये कह रहे हैं कि अग्निवीर सेवा समाप्त होने के बाद जब आएंगे समाज में तो वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होंगे और बेरोजगार होंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, भारत की सेना में वही जाएगा जो दिल से गजब की देशभक्ति का भाव रखता है। सेना में कोई केवल पैसा कमाने नहीं जाता, शशिवीर जी भी जानते हैं इस बात को। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं, हम गांव के सीधे साधे लोग सेना में तो बिना तनख्वाह के भी जाने के लिए तैयार हैं। वीरेंद्र जी, तो सेना जी, में कोई तनख्वाह के लिए नहीं जाता जी, और जी, भारत की सेना अपने रिक्रूट का, अपने रिक्रूट का, अपने जवान का चरित्र निर्माण इतना मजबूत कर देती है कि वो देश के साथ समाज के साथ कभी दगा नहीं कर सकता जी। ठीक है, ऐसा होता ना, हर साल कई हजार फौजी सेवानिवृत्त होते हैं, सैकड़ों की संख्या में शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अधिकारी वो समाज में आते हैं, कभी आपने सुना कि उनमें से कोई आतंकवादी हो गया, कोई नक्सल बन गया? नहीं बनते साहब जी। ठीक है वीरेंद्र जी, नक्सलियों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ समाज के पुकार पर, समाज के बुलावे पर कहीं भी आ खड़े होने वाले लोग होंगे, इस बात को समझिए। जी ठीक है, कहते हो ना कि वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं, आप भारत की सेना के प्रशिक्षण पर सवाल उठा रहे हैं जी। ठीक है वीरेंद्र जी, चरित्र पर सवाल उठा रहे वीरेंद्र जी। ठीक है, आप हिंदुस्तान के नौजवान के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सेना में जाने की इच्छा रखने वाला और सेना में 4 साल निकाल करके आने वाला भारतीय फौज की, भारतीय वायुसेना या नौसेना की वर्दी जिसके सीने पर रही होगी, जिसके शरीर पर रही होगी, वो गलत रास्ते पर शशिवीर जी। जी ठीक है, ऐसे भी कोई लेके जाएगा, कभी जाएगा नहीं। जी ठीक है वीरेंद्र जी, हैव कॉन्फिडेंस इन योर यूथ। वीरेंद्र जी जी जी, वीरेंद्र जी जी, देशभक्ति पर, उसके चरित्र पर यकीन रखिए, संदेह मत करिए। जैसे कांग्रेस पार्टी जी, ठीक है वीरेंद्र जी, सवाल उठा वीरेंद्र जी, आपकी आपकी बात, आपकी सारी बात ठीक है जी जी, आपकी सारी बात जी जी, ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें। वीरेंद्र जी आप सुनिए, सेना की शक्ति पर सवाल उठा के जी वीरेंद्र जी सुनिए, बॉर्डर को लेकर के झूठी बातें फैलाते हैं जी। ठीक है, ये कहते हैं सब कुछ मान लिया वीरेंद्र जी, उनमें शामिल रहे हैं जी जी, चाहिए इनको सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की कि नहीं, पाकिस्तान पर हमला किया वीरेंद्र जी। ठीक है, आपकी सारी आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी जी जी जी, भारत की सेना में से जो आएगा जी जी 4 साल बाद आए या 20 साल बाद, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अकल पर इसकी अपनी जी जी जी, अपने सिस्टम के सबसे जी जी। वीरेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मान लिया कि आपने इसकी भी एक्सरसाइज कर ली, मान लिया कि आपने इसकी भी एक्सरसाइज कर ली कि कोई जो फौज से बाहर आएगा वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। शशिवीर जी और हरप्रीत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उससे पहले एक सवाल मेरा है, मैं शशिवीर जी पूछ लाए एक सवाल कि पहले CAA, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद अब अग्निपथ जो स्कीम है, मान लिया कि बीजेपी की ये सभी स्कीमें बहुत अच्छी थी, क्या कारण है कि बीजेपी हर बार अपनी अच्छी स्कीम को लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाती, ये क्या कारण है? उसके बाद में हरप्रीत जी और शशिवीर जी के पास जिसको, ये देखिए शशिवीर जी को मुस्कुराना चाहिए इस बात पे, ये बड़े सक्षम लोग हैं शशिवीर जी, और इनके जो दूसरे कांग्रेसी वीर हैं वो सारे सयाने सूझवान बड़े सक्षम लोग हैं, ये राजनीति का अपना पतीला तैयार रखते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहां आग जलाई जा सकती है, कहां पतीला चढ़ाया जा सकता है। प्रजातंत्र है जी, इनको अधिकार है, ये अपना खेला खेलते हैं, लेकिन इनसे मैं इस अवसर पे कहूंगा कि जैसे आप लोगों ने CAA के मामले में सफेद झूठ बोल करके दिल्ली को इतने दिन तक बंधक बनाए रखा, किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष के
किसानों के हित के कानूनों को वापस लेने का माहौल बनवा दिया पंजाब में, हमारे बॉर्डर स्टेट में, सेंसिटिव स्टेट में नकारात्मक चीजें फैलाकर कृपा करके ऐसी नकारात्मकता की राजनीति करना बंद कर दीजिए जी। ठीक है, ठीक है, जनता पार्टी का विरोध करिए। वृंदर जी ठीक है, शशिवीर जी, शशिवीर जी ऊपर सवाल उठाइए जी। ठीक है शशिवीर जी, ठीक है वृंदर जी, ठीक है जी, ठीक है हरप्रीत जी, मैं तुहाडे कोल आ रहा शशिवीर जी तो बाद तुहाडे कोल आ रहा वृंदर जी। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशन जी, ठीक है। भारत माता को नुकसान पहुंचाकर सियासत खेलोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, फंस जाओगे, बेनकाब हो जाओगे मेरे मित्र जी। ठीक है वृंदर जी, ठीक है शशिवीर जी, उस तो बाद हरप्रीत जी कोल आ रहे हैं। पहली गल तो जेड़ा इन्होंने रटिया रटाया लेक्चर दिता, मैं ओदे 10 बार मैं रटिया रटाया कुछ नहीं दिता। वृंदर वृंदर जी हुन नोट करना, थोड़ी मेरी कोई पैनलिस्ट नहीं बोल रहा जी, थोड़ी मैं सब दसन लगा, मैं बहुत गल कीती है जेड़ा क्वेश्चन तुसी वृंदर जी तुसी नोट करना, हुन बाद जी तुसी जवाब देना। लेट मी फिनिश सर, 10 बार देशभक्ति नौजवान रिपीट करदे ने, हुंदा की है नौजवान से इलेक्शन की परेशानी है आपको? एक मिनट, ये शब्द बुरे लगते हैं, भारत माता की जय पूरा शब्द। वृंदर जी उनकी बात सुन ले फिर आपके पास, वृंदर जी उनकी बात सुन ले फिर आपके पास आ रहा हूँ, आप नोट करिए, आप बात नोट करिए फिर आपके पास आ। आपकी आपकी बात कोई नहीं बोला, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपको स्कीम बताने लगा हूं। जिसने नकारात्मक की बात कर रही हूँ, जिन्नी नेगेटिविटी दे नाल बीजेपी सियासत कर दी है, हिंदू मुस्लिम करा गए, किस तरह लोगों ने घर उजाड़े ने, वो नवी गल नहीं है, तोड़े तोड़े लिए नवी गल हो सकती है। तुसी जिस तरीके पूरे देश दे विच ना नकारात्मक एक सद्भावना पा दिती है, लोग मुस्लिम हिंदू दे विचों निकल ही नहीं पारे बाहर, हुण की करदे की है? जदों भी कोई स्कीम आउंदी है, स्कीम दे विच हुण ऐसा कह रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही स्कीम। मैं उहदे विच कह रहा कि इन्हां दे विच वरुण गांधी इन्हां दे आप दे लीडर ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हां दे नाल अलायंस विच ने, उहनां नूं समझ नहीं आ रही, वरुण गांधी नूं समझ नहीं आ रही, जिहड़े रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स ने वो खुद पोस्ट कर रहे हैं उन्होंने समझ नहीं आ रही, जिहड़े एक्सपर्टीज ने उस डिपार्टमेंट के उन्होंने समझ नहीं आ रही, पर बाकी सारे जिहड़े इन्हां दे जिहड़े वर्कर्स ने बीजेपी के बंदे उन्होंने समझ आ जाती है स्कीम। बहुत वधिया जी स्कीम दे इह फायदे ने, इह और इहदे उन्ने ही फायदे निकलने जिन्ने नोटबंदी के फायदे निकले सीगे। नोटबंदी ने किसनों फायदा होया? जिन्नी काला बाजारी उस टाइम से की गई है नोटा के मसले के किसी किसी भी सिस्टम के नहीं की गई डायरैक्टली। हूँ आप गल करते हैं देशभक्ति की गल कर रहे हैं, देशभक्ति देश के नाल गद्दारी करप्शन के होंगी है, गलत लोगों का साथ दे के भी वो देश के खिलाफ गद्दारी है। हूँ नीरव मोदी कि राज्य भजया, नीरज मोदी इन्होंने राज्य में भजया, सो किस तरीके का गल्ला करते हैं, करोड़ा स्कैम खड़े करते हैं। मैं एक चीज समझना कि जिस तरीके के नाल लोगों को भ्रमित करते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के करवा के, जो तो गल आती है किसी पॉलिसी लागू करने की, फिर इन्हों के आप एक पैमाने तैयार किए जाते हैं कि यार तू समझ नहीं आ रहा, तुम देशभक्त नहीं हो, यह देशभक्ति वाली स्कीम है। सो मैं समझता हाँ कि इन्होंने आपकी ईगो साइड पर नहीं रखनी, मेरी रिक्वेस्ट है पहली तो आपकी ईगो साइड पर रखो, जेडे ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का अहिंसा वाला प्रोटेस्ट ना किया जाए, साड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है सरकारी संपत्ति, साड़े देश की प्रॉपर्टी है, काइंडली प्रोटेस्ट को पीसफुल तरीके ना किया जाए। सेकेंड थिंग, बीजेपी को मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए जिसे ऑलरेडी एक एक्सपर्ट्स चाहे रिटायरीज ने चाहे विशेषज्ञ ने, क्योंकि अगर मुद्दा जो उठता है मैं समझता कि समय की सरकार डेफिनेटली उपर एक रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करने इन्हों ईगो नहीं हर्ट हो जाएगी, हलीमी के नाल इन्हों डेफिनेटली इन चीज उत्ते देखना चाहिए क्योंकि हल कटना चाहिए। अभी ऑलरेडी भुगल चुके हैं किसानी मोर्चे के देखा किन्ने एक साल के लगभग समा लग गया, एक साल के कुछ असं देखा। सो देश को तरक्की के रस्ते रखने वास्ते असी अगर बीजेपी को चंगा काम करते इसे पर बीजेपी भी आपकी ईगो हूँ साइड रखनी चाहिए, ये रिव्यू कमेटी बनानी चाहिए है जी। ठीक है हरप्रीत जी, हरप्रीत जी गल है, सब तो पहला तो मेरे इस सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिता कि इन्हों इस तरह की भर्ती क्यों करनी पै गई कि जिस तरह की भर्ती आम तौर पर हंगामी हालातों के की जाती है कि अनट्रेनड यूथ न हथियार दे देने, क्योंकि जदों कोई सिविल वॉर वाला माहौल होंगे, जो कोई इस तरह के हंगामी हालात एमरजेंसी देश की सुरक्षा दाते लगी होंगी है उदों एकदम यह फैसले ले जाते हैं। अज देश के किड़े हालात ने कि जे इन्हों की लोड़ पई है तो ये उत्ते इस गल के नाल शक पैंदा कि भारतीय जनता पार्टी यहोजे कि नवे कोई कौड़ा पा जा रही है जिदा इन्होंने नौजवानों की लोड़ पै सकती है,
एक बड़ा वड्डा मुद्दा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले समय का किरदार है वो शक्की रहा, उन्होंने वर्किंग स्टाइल जी है वो शक्की रही है, इस करके इस गल के उ शक पैदा कि कितने अजा कोई फैसला तो नहीं लेने जा रहे जिसे कि पहले अगाऊ तैयारी के तौर पर इस तरह के जो झूठ है अनट्रेन जिन्होंने बंदूकों फड़ा के पहला तैयारी कराई जा रही है। एक गल दूसरी गल ये कहते कि जेकर तुम भारतीय जनता पार्टी दॉलिसीज के उ सवाल चकते हो तो तुम आर्मी का इंसल्ट कर रहे हो, वो एक तरह का तुम उस जो बहुत क्रिमिनल और बड़ा इन्हों ना बना के पेश किया जा रहा है कि बहुत गलत काम हो रहा है। किसी भी देश की सरकार की पॉलिसी के विरोध के गल करना कोई उतों की आर्मी चैलेंज नहीं है, सरकार की जी पॉलिसी है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना हरेक नागरिक का हक है जो उन्होंने ठीक ना लगे। फिर दूसरी गल ये कहते हैं देश का जोड़ा फौजी है वह कदे कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये मैं जवाब दे दे रहे कि कदे कोई सबका फौजी क्रिमिनल एक्टिविटीज इनवॉल्व नहीं रहे, कदे नहीं हो। देखो ये तो जड़िया गल् है ना देश भगती के उत्ते लेख जो असी चौथी पंजवीं जमात पढ़ते सी ते लिखते सी ते वो याद करके आए जे टीवी चैनल के उत्ते बैठ के डिबेट का समा खराब कर रहे हैं, सिर्फ लोगों नूं जिहड़ा पुराना पढ़िया होया लेख है ना वो दोबारा मेरे विच ला रहे हैं। सारे पता है जो तुसी गल्लां कर रहे हो जो तुसी कह रहे हो ये हरेक ने जिस इंसान ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ जमात पास की है वो सारिया उन्होंने पढ़िया है, ये तुहाड़े कोल सिखण दी लोड़ नहीं। देश भगती का सर्टिफिकेट जिहड़ा है ना वो तुसी अपना अपने कोल रखो, ये देश तुहाड़े तों ज़्यादा देश भगत है, इस देश का हर नागरिक तुहाड़े तों ज़्यादा देश भगत है, तुसी तां अपनी है जिहड़े तुहाड़े ते सवाल पुछे जा रहे ने जी। जो तुहाडे आ रहे वरिंदर जी, वरिंदर जी आ रहे तुहाडे कोल, वरिंदर जी तुहाडे कोल आ रहे, जो ज्ञान बघा रहे उसका जवाब दे दो जी। इस डिबेट दे विच सारा तुसी नहीं कहोगे वरिंदर जी आ रहे थे, वरिंदर जी वरिंदर जी थोड़े को आ रहे, वरिंदर जी दो मिनट दो जी, मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं जी। हरप्रीत जी पहला गल पूरी करो, हरप्रीत जी तुसी अपनी गल पूरी करो जी, हरप्रीत जी तुसी गल पूरी करो जी। वरिंदर जी दो मिनट दो, दो मिनट दो, दो मिनट दो जी जी। हाँ जी हरप्रीत जी, देखो वरिंदर जी तुहाडे कोल आ रहे तुसी जवाब देने जवाब सुन लियो जी जी, आ रहे आ रहे तुहाडे कोल, हरप्रीत जी अपनी गल पूरी करन, हरप्रीत जी हरप्रीत जी जिहड़ा तो कहंदे आ कि असी जिहड़े यूथ तो आएगा फिर असी उहनां नूं की रोड मैप पेश कर रहे ते रोड मैप पेश कर ते उह बकायदा तौर ते जदों भर्ती करना है चार साल दे लई भर्ती करना है जां जो भी उहनूं कह के भर्ती करना है कि उहदे विचों 25% असी कंटिन्यू करांगे 75% नूं असी जिहड़ा वापस भेज देंगे, उहदे लई इहनां कोल रोड मैप की है, उहदे लई रोड मैप कर पेश कर और उसका रिटर्न जिहड़ा हैगा वह कमिटमेंट दे जदों भर्ती होनी है उसके लिए रिटर्न कमिटमेंट होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने किस किस्म दी जॉब्स देनगियां की सरकार की जिम्मेवारी नहीं, सरकार की यह रिस्पोंसिबिलिटी, जेकर उतो ट्रेनिंग लैके वो उसने चार साल उत्ते लगा के उस तो बाद उन्होंने आके किसी प्राइवेट एजेंसियों के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, जे उन्होंने किसी पांच सौ 10,000 रुपए के किसी मॉल के बाहर खड़ के तो लोगों के बैग चैक करने के की लैके आया तो की लैके चलिया तो ये कि जो फ्यूचर है उस दाते नहीं लगे। थोड़े शब्दों एक तो ये कह रहे हैं कि इनको तीसरी चौथी पांचवी में देशभक्ति का पाठ पढ़ लिया था इन्होंने और ये पढ़ना नहीं चाहते,
भाई साहब मैं आपको देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके फैक्ट्स ठीक करना चाह रहा हूँ जो आप देश को गुमराह कर रहे हो टीवी चैनल। मेरी एफर्ट वही है और वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता कि ये जो भर्ती होगी नई व्यवस्था के तहत, ये व्यवस्था अग्निपथ की, इसमें जो कुछ भी होगा उसका दो दिन में योजना का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हफ्ते भर में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश की सेना, देश के सर्वोच्च सेना अधिकारियों ने, टॉप आर्मी एयरफोर्स और नेवल प्रोफेशनल्स ने इस स्कीम के सारे आयाम, सारी डायमेंशंस पर काम किया है बहुत बारीकी से। वो रिकॉर्ड पर होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा। भारत की फौज बातों पर नहीं चलती, भारत की फौज दस्तावेजों पर चलती है, सैनिक की तपस्या और कमिटमेंट पर चलती है, शस्त्र और शास्त्र की समझ के साथ चलती है। भारत की फौज को और उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को हवा में उड़ाने की, उसका मजाक उड़ाने की आप कोशिश न करें। हो सकता है आपने दसवीं ना वो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में देशभक्ति का पाठ पढ़ लिया हो। अगर देशभक्ति का पाठ आप कायदे से पढ़ के आते ना महाराज, तो आप ये नहीं कहते कि फौज में से निकल करके चार साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल की सेवा के बाद सारे फौजी वो क्रिमिनल एक्ट में चले जाते हैं। आज भी जो रिटायर होते हैं उनमें से कोई इक्का दुक्का अगर गलत रास्ते पर चला गया तो क्या हम ये कहते हैं कि जो फौज में सेवा करके आया वहां से शस्त्रों की लेकर आया वो अपराधी हो जाएगा या हो गया है? तो कुछ तो लॉजिकल बात करें, कुछ तो तर्कपूर्ण बात करिए। एक पॉजिटिव बात इसमें से ये होगी इस योजना की कि अब तक औसत हर साल जितने भारतवासियों को अपने देश की फौज की वर्दी पहन के गौरव और गर्व के साथ मातृभूमि की, देश की सेवा करने का अवसर मिलता था, नई योजना में आने वाले दिनों में औसतन उससे 3 गुना लोग इस अवसर को प्राप्त कर सकेंगे। ज्यादा हिंदुस्तानी मातृभूमि की सेवा कर सकें, इस पर किसी को दर्द नहीं होना चाहिए जी। एक अभी अगर अग्निपथ से जो सैनिक शामिल होंगे, पहले साल जो जितने सैनिक शामिल होंगे वो पूरी भारत की जो सेना की नफरी है उसका, बल्कि वो पहले 3-4 सालों में भी वो आंकड़ा 3-4% से ज्यादा नहीं जाएगा। भारत की सेना का अधिकांश हिस्सा वो रेगुलर फौज ही रहने वाला है, 25% तो इनमें से भी रेगुलर रहने वाले हैं, तो ये मत कहिए कि देश की सुरक्षा अनट्रेंड हाथों में रहेगी। दूसरा, जो 4 साल सेना में सेवा करेगा वो अनट्रेंड नहीं होगा, वो अनस्किल्ड नहीं होगा, वो स्किल्ड भी होगा, वो ट्रेंड भी होगा। जब सेना में रहेगा, यकीन मानिए, मेरी गल पूरी हो जाए तो तुम कह लेना। मैं ये कह रहा हूं कि 4 साल जो फौज में रह के आएगा वो वेल ट्रेन्ड वेल स्किल्ड होगा। मुझे और आपको भी होना चाहिए, शशिवीर जी को भी होना चाहिए, हमारी सेना की टॉप लीडरशिप, उसके ट्रेनर, दे आर वेल प्रिपेयर्ड प्रोफेशनल ट्रेनर, वो अपने अग्निवीरों को बढ़िया वाली ट्रेनिंग देने वाले। मैं तो डिफेंस मामले में महान है, ठीक ठीक है। वरिंदर जी ठीक है, एक गल सुन लो, जो लोग
चार साल वरिंदर जी थोड़े शब्द वरिंदर जी थोड़े शब्द बन के एक मिनट शशिवीर जी मेरे पूछ शुरू करनी पड़ेगी जिहड़ी प्राइमरी ठीक है वरिंदर जी हरप्रीत जी ठीक है शशिवीर जी 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 मैं समझता भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए आखिरी खेल कितना चलेगा शशिवीर जी जी हाँ जी शशिवीर जी थोड़े शब्द जी वरिंदर जी थोड़े शब्द जी मेरा विरोध सेना ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੇਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਦਾਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਕੁੱਲ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੀ 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 ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੇਨਾ ਸੇ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਮਾਜ ਮੇ ਆਏਗੇ ਵੇ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੋਗੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਔਰ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਹੋਗੇ समाज जीवन में गांव गांव में शहर शहर में वे अनुशासन डिसिप्लिन सर ये बात आपने 3 बार बता दी है आधार बनेंगे सर 12वीं बार है सर जी शशिवीर तो शशिवीर जी तो हाँ जी शशिवीर जी थोड़े शब्द देश की आबादी 135 करोड़ है 45 तो 50 हजार इन्होंने भर्ती करनी है जिसे 25% निकल जाने 10,000 अप्रोक्सीमेट साल की भर्ती होनी है यह एक जुमला खेडिया इन्होंने एक लोगों के आई वॉश कर रहे हैं 2 करोड़ सालाना रोजगार की कमिटमेंट करके आए हैं 10,000 से सीमित रह गए हैं हूँ जो कह रहे हैं कि बाहर निकल के जा रहे हैं रोजगार की सेवा है ना हाथ जोड़ के बेनती है बोल लैन दो बहुत बोले हो बार बार बोले हो उन्होंने बोल लैन दो सो मैं रिक्वेस्ट करता वा इन्हों की ईगो आड़े आ रही है इन्हों की ईगो के करके देश भुगत रहा है मैं रिक्वेस्ट करांगा कि इन्हों आपकी ईगो साइड से रखिए क्योंकि इन्हों की पार्टी के खुद वरुण गांधी जी नहीं समझ पा रहे इन्हों के अलायंस वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं समझ पा रहे इन्हों के विशेषज्ञ नहीं एक ईगो पे अटके पड़े हो सो हां सर ईगो हैगी है तुहाडी ताकि तो अटके हैं आपकी ईगो का साइड से कर लो ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੈਲੂਟ ਯੂਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਦੰਗੋ ਕੀ ਆਗ ਮੇ ਝੋਕਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੇ ਹਮਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਦੰਗੇ ਕਰਾਤੇ ਹੈ ਸ਼ੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸ਼ਜੀਵੀਰ ਯਾਰ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਟੂਬ ਸਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਆਗ ਮੇ ਕਿਸਨੇ ਝੋਕਾ ਦੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਗ ਮੇ ਕਿਸਨੇ ਝੋਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਏ ਕਿਸਕੇ ਐਮਐਲਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਪਕੜੇ ਗਏ हर डिबेट चीका मार के सब पाल के बोलना जरूरी नहीं है पहली गल ते और तंगाई हमें कहोगे गोली मारो किसके मारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ गोली मारो मारा के सिगा तोडे एमपी एमपी ओपन नहीं कह रहे गोली मारो आगे मैं वर्ड यूज नहीं करना तोडे एमपी कहंदे गोली मारो डैश को किसके मारा के सिगा के विधायक की शर्म करो बोलन तो पहला देशभक्ति के लेक्चर देने को बिना अपने आप शर्म करो पत्थर मिले सर थोड़ी शर्म करो छत पर पत्थरों के ढेर मिले
हरप्रीत जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडे नाल जुड़े और बरिंदर सिंह चौहान जी तुसी साडे नाल जुड़े तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद और शशिवीर शर्मा जी तुसी साडे नाल जुड़े तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो सारे ही मेहमान जिहड़े अज साडे नाल जुड़े सी उहनां दा बहुत बहुत धन्यवाद और जिहड़ी गल होई है इस चीज़ नूं लै के कि अग्निपथ जिहड़ी स्कीम है उहदे लई जिहड़ी बीजेपी है वो समझाने दे विच नौजवानों नूं क्यों कामयाब नहीं हुई। हालांकि बीजेपी दे वल्लों कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों दे विच नोटिफिकेशन जिहड़ा है वो जारी हो जाएगा, उहनूं देख के जिहड़ियां सहूलतां ने जो नौजवानों नूं दित्तियां जाणगियां उहनां नूं पढ़ के उहनां नूं सुण के जिहड़े नौजवान ने वो जरूर शांत होणगे। और ये अपील की जा रही है कि जो आगजनी हो रही है जां ट्रेनां नूं साड़िया जा रहा है वो ऐसा ना करन, जो भी किया जा रहा है उहनां दे भलाई लई किया जा रहा। सो आने वाले समय च देखना होएगा कि बीजेपी देश के नौजवानों को समझाने दे विच कामयाब होंदी है या फिर जिहड़ी अग्निपथ स्कीम है वो अगे होर कित्थे तक पहुँचती है। होर खबरां देखने बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल। फिलहाल मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।